जी कौन सी टुक 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 क्या? अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है सबको क्लियर? आवाज सबको क्लियर आ रही है मेरी? कोई एक बच्ची बता दे। जी जी क्लियर है। ओके स्लाइड्स भी नजर आ रही है आप लोगों को क्लियर? जी क्लियर है। ओके तो आज हमने सीखना है कि थीसिस में टोटल कितने चैप्टर्स होते हैं और हर चैप्टर कितने कितने पॉइंट्स पर कितने उनके सब हेडिंग्स होती हैं वो हमें सीखना है। तो हाउ टू राइट थीसिस, चैप्टर नंबर 1 में क्या होता है? चैप्टर नंबर 1 जैसे कि हर बुक्स में होता है इंट्रोडक्शन का ही होता है, तो हमने इंट्रोडक्शन बताना है उसमें। इंट्रोडक्शन किस चीज का बताना है? हमने अपना जो टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ थीसिस का, हमने उसका इंट्रोडक्शन बताना है। उसका जब हम इंट्रोडक्शन, पहले तो आप लोग लिखोगे जनरल स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट के बाद आप लोग उसकी लिखोगे बैकग्राउंड स्टडी के, बैकग्राउंड में उसका क्या मटेरियल था जब पहले लोगों ने उसे स्टडी किया तो उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। उसके बाद आप लोगों ने लिखनी है प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि आप लोगों ने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कौन से इशू आ रहे हैं जो सोसाइटी में है या लोगों में आ रहे हैं, उस प्रॉब्लम को आपने डिफाइन करना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों ने मिनिमम 2 or 3 चूज करने। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ऑब्जेक्टिव्स हमेशा 2 चूज करने या फिर 3, अगर कम करने हैं 2, ज्यादा अगर आप लोग करना चाह रहे हो तो आप लोग 3 भी कर सकते हैं। उसके बाद जो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसी बेस पर आप लोगों का रिसर्च क्वेश्चंस होंगे। रिसर्च क्वेश्चंस भी आप लोगों के जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं उसी बेस पर आप लोगों ने 2 या 3 क्वेश्चंस बनाने हैं। उसके बाद आप लोग हाइपोथेसिस बनाओगे। हाइपोथेसिस होती है आप लोगों की अजम्पशन, जो आप लोगों ने देखा अपने टॉपिक से रिलेटेड जो भी सिचुएशन देखी उसे आप लोग अपने अजम्पशन में लिखोगे और उसे आप लोग हाइपोथेसिस का नाम दोगे। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी कि आप लोग कर रहे हो, जो टॉपिक आप लोगों ने सिलेक्ट किया उसकी आखिर क्या अहमियत होगी, क्या इम्पोर्टेंस होगी, उसे आप लोगों ने बयान करना है। उसके बाद स्कोप स्टडी कि आप लोगों ने जो स्टडी की उसकी फ्यूचर अहमियत हो सकती है, फिलहाल प्रेजेंट में क्या उसकी अहमियत है, ये आप लोगों ने लिखना है। इंट्रोडक्शन में ये आप लोगों ने पहले पॉइंट्स बनाने हैं फिर उसके बाद सब हेडिंग्स देनी है। फिर है हमारा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 2 लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था पास्ट स्टडीज होती हैं, जैसे अब कोरोना को 1 या 2 साल हो चुके हैं तो कुछ पाकिस्तान वालों ने उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, अमेरिका वालों ने की या डिफरेंट कंट्रीज ने उन पर रिसर्च की तो उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था और उनके क्या रिजल्ट्स आए। तो अब इन तमाम रिजल्ट्स को हम लिखेंगे तो हमारे तमाम रिजल्ट्स होंगे वो एक दूसरे से इंटरलिंक कर रहे होंगे। इसी तरह आप लोगों ने लिटरेचर रिव्यू कि आप लोगों ने जो टॉपिक लिया उसकी पास्ट स्टडी क्या हुई, उसमें क्या क्या बयान किया गया, वो तमाम आप लोगों ने लिखना है। पहले आप लोगों ने लिखना है लिटरेचर रिव्यू, ये चैप्टर का नेम होगा। फिर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ लिटरेचर रिव्यू कि लिटरेचर रिव्यू होता क्या, जैसे हर टॉपिक की पहले डेफिनेशन होती है, उसे डिस्क्राइब किया होता है। उसके लिखोगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर, लिखा हुआ है ऑल पैराग्राफ शुड बी 5 to 6 lines। आप लोगों का अगर एक आप लोगों ने एक रिसर्च उठाई है तो आप लोग उसे सिर्फ 5 या 6 lines में बयान करोगे शॉर्ट में, बट ऑल पैराग्राफ शुड बी लिंक टू विद ईच अदर, लेकिन आप लोगों के जितने भी पैराग्राफ्स होंगे वो एक दूसरे से लिंक करते हुए चाहिए। उसके बाद आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स 2 तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो आप लोग जो भी टॉपिक लिखते हो, फर्ज करें हमने लिया सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक, तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हमारे पास हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी तभी हमारा सोशल जो सर्कल होगा वो हमारा अच्छा होगा। तो इसी तरह इकोनॉमिक जो है वो इंडिपेंडेंट हमारा वेरिएबल होगा, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। उसके बाद आप लोग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क लिखोगे, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को डिफाइन करोगे। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है कि आप लोगों ने अपना जो भी टॉपिक सिलेक्ट किया है उसे आप लोग एक फ्रेमवर्क में, जैसे ब्लॉक्स बने होते हैं तो उन ब्लॉक्स की सूरत में आप लोगों ने उसे बयान करना है अपने थीसिस के टॉपिक को।
स्ट्रक्चर डेट कैन बी होल्ड आर स्पोर्ट आर थ्यूरियो फॉर रिसर्च स्टडी. जैसे कोई भी इमारत होती है तो वो उसका स्ट्रक्चर बना होता है, उसकी इसी तरह बिल्कुल सेम आप लोगों ने अपने थीसिस का स्ट्रक्चर बनाना है जो आप लोगों के पूरे थीसिस को डिफाइन कर दे. ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर टू. उसके बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर थ्री, रिसर्च मेथोडोलॉजी. रिसर्च मेथोडोलॉजी कि आप लोगों ने जो आप लोग रिसर्च कर रहे हो उसमें आप लोगों ने कौन सा मेथड यूज किया हुआ, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है या मिक्स्ड है. अगर आप लोग क्वांटिटेटिव यूज कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो आप लोग पहले लिखोगे मेथड कि आप लोगों ने मेथड कौन सा यूज किया. उसके बाद आप लोग हेडिंग दोगे अप्रोच की. आप लोगों ने अगर मेथड यूज किया क्वांटिटेटिव तो आप लोग उसकी अप्रोच उसमें लिखोगे डेफिनेशन. आप लोग पहले क्वांटिटेटिव को डिफाइन करोगे. पॉपुलेशन एरिया कि आप लोगों ने जो रिसर्च की है वो कौन से एरिया में की है, मतलब किस शहर में किया है, किस देहात वाले एरिया में किया है, कहाँ किया, आप उसका नाम लिखोगे. फर्ज करें मुल्तान, मैंने यहाँ मुल्तान लिखा हुआ है. सैंपल एरिया मतलब आप लोगों ने जिस इलाके में पॉपुलेशन की उसके आगे भी तो कोई कस्बा या कोई मोहल्ला बना होता है, तो आप लोग वो भी लिखोगे. वो हमारा होता है सैंपल एरिया, कोई है या कोई कॉलोनी है. उसके बाद सैंपल साइज क्या, आपने कितने लोगों का जो रिसर्च थी, कितने लोगों पर रिसर्च किया आप लोगों ने. मैंने 103 रिस्पॉन्डर्स पर की थी तो मैंने अपना 103 लिखा हुआ है यहाँ पर. तो अगर आप लोगों ने 80 लोगों पर रिसर्च किया, उनका इंटरव्यू लिया या सर्वे किया, तो आप लोग 80 लिखोगे, जितने भी आप लोगों को अलाउ होगा, जो आपकी टीचर्स या जो सुपरवाइजर होगी वो रिकमेंड करेगी, उतना ही आप लोगों ने करना होगा. उसके अलावा कैटेगराइजेशन कि आप लोगों ने जो रिसर्च की है वो टीनेजर्स पर की है या ओल्ड पीपल्स पे की है, चिल्ड्रन पर की है, फीमेल्स पर की है या मेल्स पर की है, या कैटेगराइजेशन में, या अगर आप लोग उनकी एज लेते हो तो आप लोगों ने उनकी एज कितनी ली है. तो मैंने यहाँ पर एज ली थी, मेल्स भी थे फीमेल्स भी, इसमें 65 से 80 ईयर्स ओल्ड पीपल लिए थे. उसके बाद डाटा कलेक्शन टेक्निक कि आप लोगों ने जो डाटा कलेक्ट किया, आप लोग जो क्वेश्चन आयर बनाते हो उस पर जो आपने डाटा कलेक्ट किया वो कैसे किया, व्हाट्सएप से किया, जीमेल से किया या फिर सर्वे किया, मतलब आप लोग खुद गए. जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में मोस्टली स्टूडेंट्स आते हैं वुमेन यूनिवर्सिटी में बीजी होके जो अपना क्वेश्चन आयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर वो उनकी राय लेते हैं. इसी तरह अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटीज में जाओ अपना क्वेश्चन आयर फिल करवा सकते हैं. अगर आप लोग जैसे पेंडेमिक की सिचुएशन थी पिछले साल तो ऑनलाइन कंडक्ट किए थे हमने क्वेश्चन आयर, तो आप लोग अगर किसी इलाके में नहीं जा सकते तो आप लोग ऑनलाइन भी अपना क्वेश्चन आयर फिल करवा सकते हैं, व्हाट्सएप से भी करवा सकते हैं, जीमेल से भी, और अगर आप लोगों के लिए इजी है सर्वे करना तो आप लोग सर्वे से भी करवा सकते हैं. ये हमारा था डाटा कलेक्शन टेक्निक. उसके बाद आता है डाटा एनालिसिस. आप लोगों ने डाटा का एनालिसिस किस तरह किया, उसका तजिया किस तरह किया. सिंपल यहाँ लिखा हुआ सिंपल डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कि सिंपल था, डिस्क्रिप्टिव मतलब उसे डिस्क्राइब किया हुआ था एनालिसिस जो SPSS में फाइंड आउट करते हैं. उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्लाइड्स रिसर्च डिजाइन. रिसर्च डिजाइन को आप लोग डिफाइन करोगे, फिर आप लोग उसमें बताएंगे कौन सा मेथड आप लोगों ने यूज किया रिसर्च डिजाइन में, क्वांटिटेटिव किया है, क्वालिटेटिव किया है, कौन सा किया. फिर स्टडी ऑफ यूनिवर्स, पहले आप लोगों ने सिर्फ जैसे ये टेबल बना हुआ है तो आप लोगों ने जस्ट ये टेबल बताना है, डिफाइन नहीं करना. नेक्स्ट में आप लोगों ने नेक्स्ट पेज पर आप लोगों ने डिफाइन करना है स्टडी ऑफ यूनिवर्स कि किस एरिया पर आप लोगों ने अपनी रिसर्च की, कौन सा आप लोगों ने टारगेट पॉपुलेशन ली, कौन कितने लोगों पर रिसर्च किया आप लोगों ने, और आप लोगों का थीसिस टॉपिक टाइटल जो था वो कौन सा था. उसके बाद है टारगेट पॉपुलेशन कि आप लोगों ने कौन सी एक तो इलाका आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, वहां पर कितने लोगों को टारगेट किया, 60 को किया, 70 को किया, कितना. उसके बाद है सैंपलिंग टेक्निक कि आप लोगों ने कौन सी टेक्निक यूज की, सैंपल जो आप लोगों ने लिया लोगों का वो कौन सी टेक्निक यूज की. डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कन्वीनियंस होती है, ऑनलाइन रेंडमली होती है. जैसे आप लोग किसी भी एज के ग्रुप को ले तो आप लोग उसे सैंपलिंग टेक्निक में लोगे. उसके बाद सैंपल साइज वही आ जाएगा कि आप लोगों ने कितने रिस्पोंडेंट्स लिए,
30 लिए, 70 लिए, कितने, उसके बाद टूल्स फॉर डेटा कलेक्ट, आप लोगों ने जो डेटा कलेक्ट किया वो क्वेश्चनायर बनाकर किया या फिर सर्वे किया, मतलब खुद जाकर उनके पास उनसे राय ली, फिर हर एक का आप लोगों ने इंटरव्यू लिया। उसके बाद अगर आप लोगों ने इनमें से क्वेश्चनायर बनाया तो आप लोग क्वेश्चनायर को डिफाइन करोगे। उसके बाद आप लोग टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, जब आप लोगों के पास सारा डेटा आ जाएगा, तमाम रिस्पोंडेंट्स के रिजल्ट्स आप लोगों के पास आ जाएंगे, फिर आप लोग उसका एनालिसिस करते हो टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस एसपीएसएस सॉफ्टवेयर में। ये सॉफ्टवेयर होता है एसपीएसएस, जैसे आप लोग मैथ्स की बुक देखते हो, फिजिक्स की बुक देखते हो, वहां पर चार्ट्स बने होते हैं, ग्राफ्स बने होते हैं, तो वहां पर परसेंटेजेस लिखी होती हैं। तो इसी तरह आप लोगों ने जितने भी रिस्पोंडेंट्स का आप लोग रिजल्ट लोगे, आउटपुट लोगे, आप लोग उसे एसपीएसएस सॉफ्टवेयर में इंटर करोगे, वहां पर चार्ट पाई ग्राफ चाहते हो पाई चार्ट तो पाई चार्ट भी बन जाएगा। अगर आप लोग बार ग्राफ बनाना चाहते हो बार ग्राफ भी, जो भी जिस तरह से भी आप लोग उसकी परसेंटेज निकालना चाहो वो आपको उसी फॉर्म में दे देगा। उसके बाद आप लोगों ने एथिकल कंसर्न लिखने चैप्टर नंबर 3 के अंदर ही। एथिकल कंसर्न होता है डायरेक्ट लोगों से नहीं सर्वे, आप लोगों ने अपने टॉपिक के बारे में उनसे पूछना स्टार्ट करना, आप लोगों ने पहले उनसे सलाम करना है, उनका नाम पूछना है, फिर उसके बाद फैमिली मेंबर्स, इसी तरह आप लोगों ने आराम से मैनर्स के साथ काम स्टार्ट करना है। रिसर्च डिड नॉट बिहेव इलीगली, मतलब आप लोगों ने उनके साथ बदतमीजी नहीं करनी, प्यार से आराम से उनसे बात करनी, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने उनका इंटरव्यू स्टार्ट करना है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी, ये हमारे एथिकल कंसर्न्स में यूज होता है। उसके बाद हमारे चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 में आता है डेटा एनालिसिस, कि हमने जो भी डेटा कलेक्ट एनालिसिस उसका तज्जिया हम कैसे करेंगे। सबसे पहले वही हमारी जो भी हेडिंग होती है हम उसे डिफाइन करते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, आप लोग इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा एनालिसिस आप लोग उसका इंट्रोडक्शन दोगे कि डेटा एनालिसिस होता क्या है, उसे डिफाइन करोगे, कुछ एग्जांपल्स दे दोगे, फिर आप लोग हेडिंग दोगे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की आप लोग डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने के बाद आप लोग बताओगे कि हमने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस को यूज किया, उसमें हमने निकाली परसेंटेज एंड फ्रिक्वेंसी। अगर आप लोगों ने सिर्फ ये दो चीजें निकालनी है तो आप लोग इन्हीं दो चीज को लिखोगे, अगर आप लोगों की जो सुपरवाइजर होंगे अगर वो कुछ और कहते हैं कि परसेंटेज और फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप लोग कोई और, तो आप लोग वो एसपीएसएस में फाइंड आउट करके आप लोग लिखेंगे। परसेंटेज और फ्रिक्वेंसी आप लोगों ने कैसे लिखनी है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है। फर्ज करें पहला मेरा सवाल था कि रिस्पोंडेंट्स की एज कितनी है, यहाँ लिखा हुआ रिस्पोंडेंट्स 65 to 70, 70 to 75, 75 to 80, 85 एंड अबव टोटल। अब यहाँ पर फ्रिक्वेंसी यहाँ पर लिखा हुआ कि 65 से 70 जो लोग थे 43 ने जवाब दिया कि उनकी ये है 65 to 70, अगर परसेंटेज निकालें तो उनकी आती है 38.7। इसी तरह 70 से 75 जो थे 28 लोगों ने कहा कि हमारी एज है, उसकी परसेंटेज बनती है 25.2। 70 से 80 ने का जवाब दिया 26 ने, उनकी बनती है 23.4। फिर है 85 से और उससे ऊपर वाली एज वालों ने कहा एज है, 6 बंदों ने जवाब दिया, उसकी रेशियो आती है, परसेंटेज आती है 5.4। तो इसी तरह ये वाला जो नजर आ रहा होगा आप लोगों को, यहाँ रिस्पोंडर्स लिखा हुआ फ्रिक्वेंसी परसेंटेज, ये मैंने खुद से नहीं बनाया, ये मैंने एसपीएसएस में बनाया। एसपीएसएस में वहां पर फिर मैंने शो किया कि मुझे ग्राफ चाहिए, ग्राफ के फॉर्म में ये, तो उन्होंने ग्राफ में भी दे दिया। फिर आप लोगों ने जो भी आप लोगों की, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन आयर में 30 सवाल बनाए हैं तो आप लोगों की 30 ही ये टेबल बनेंगे, 30 ही आप लोगों के ग्राफ्स बनेंगे, जितने आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के ग्राफ्स और टेबल्स उतने ही बनेंगे। ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो ज्यादा बनेंगे, कम होंगे तो आप लोगों के कम बन जाएंगे। फिर आप लोगों ने ये ग्राफ और टेबल बनाने के बाद आप लोगों ने उसे इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट से मुराद कि आप लोगों ने उसे डिटेल देनी है, आप लोगों ने उसे एक्सप्लेन करना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आप लोगों ने बताना है दी अबव टेबल, क्या जो ऊपर दिया गया टेबल है, दी एज ऑफ रिस्पोंडेंट्स इन ईयर्स, उन रिस्पोंडेंट्स की जो उम्र है वो सालों में है, अबाउट 38.7 रिस्पोंडेंट्स वर बिलो द एज कैटेगरी ऑफ 65 to 70।
अब वो बता रहे हैं, बस जो आप लोगों ने लिखा जो टेबल में होगा ना, आप लोगों ने उसे एलेबोरेट करना है अपने अल्फाज में, उसकी परसेंटेज लिख रही है और उसकी एज भी बतानी है कि इतनी एज वालों ने ये जवाब दिया और 28 जो 28 लोग थे उन्होंने उन्होंने बताया कि हमारी एज 70 से 75 है। तो ये आप लोगों का डेटा एनालिसिस में आ जाएगा। उसके बाद है लास्ट चैप्टर हमारा रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। आप लोगों ने जो भी थीसिस में रिजल्ट्स निकाले, जो भी आउटपुट निकाली, जो भी रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज की, आप लोगों ने सारा वो डिस्कशन में बताना है। डिस्कशन में बताने के रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में बताने के बाद आप लोगों ने जो फाइंड आउट आप लोगों ने करना है कंक्लूजन की, आप लोगों ने पूरे थीसिस से क्या फाइंड आउट किया है, क्या नतीजा निकाला है। उसके बाद रिकमेंडेशन की आप लोगों ने जो जो इस जो आप लोग तीन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करोगे उसमें आप लोग देखेंगे कि आप लोगों ने क्या चीज उसमें कहाँ कमी बेशी देखी, आप लोग क्या रिकमेंड करना चाहते हैं। तो रिकमेंडेशन भी आप लोगों की एक पेज की होनी चाहिए, 8 से 10 होनी चाहिए। रिकमेंडेशन देने के बाद आप लोगों का ये जो थीसिस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को कुछ समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी मेरा ना नेट की वजह से ना इशू था ना, मेरी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, तो थोड़ा सा ओवर यू सारे लेक्चर कर दिए अगेन से। अगेन रिपीट कर दूं? हाँ जी, यही सारा रिपीट कर दें जो आपने। ठीक है, हमने पढ़ा हाउ टू राइट थीसिस के हम थीसिस कैसे लिखते हैं। अपना माइक ऑफ कर लें। अगेन रिजॉइन करें जी, क्या कह रहे हैं आप? चैप्टर नंबर 1 होता है हमारा इंट्रोडक्शन टाइटल ऑफ थीसिस। जो आप लोग जिस टॉपिक को आप लोग सेलेक्ट करोगे थीसिस के लिए उसका आप लोग इंट्रोडक्शन दोगे। उसके बाद आप लोग बैकग्राउंड स्टडी लिखेंगे कि आप लोगों ने वो टॉपिक कहाँ से लिया, उसकी बैकग्राउंड स्टडी क्या थी, कि उससे पहले जो आप लोगों की मौजूदा रिसर्च कर रहे होगे उसका कंपेरिजन करोगे और बैकग्राउंड स्टडी आप लोग उसे बताओगे कहाँ से लिया, कैसे इसकी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती रही हैं। फिर आप बताओगे प्रॉब्लम स्टेट, आप लोगों ने जो भी टॉपिक लिया है उसमें कौन सी मेन इश्यूज आ रहे हैं, आप लोग जिसे देख रहे हो आप लोगों ने प्रॉब्लम्स वो बताने हैं मेन इश्यूज को। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, जो भी आप टॉपिक सेलेक्ट करते हो उसमें आप लोगों ने 2 या 3 ऑब्जेक्टिव रखने हैं, सिर्फ 2 या 3 ऑब्जेक्टिव रखने हैं, जिस बेस पर आप लोग अपना पूरा थीसिस करते हो, जिस बेस पर आप लोग अपना पूरा रिसर्च वर्क करते हो। उसके बाद आप लोग जो 2 ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे 2 या 3, उन्हीं बेस पर आप लोग अपने रिसर्च क्वेश्चंस बनाओगे। रिसर्च क्वेश्चन बनाने के बाद आप लोगों ने उस टॉपिक से रिलेटेड सोसाइटी में या लोगों में जो भी इश्यूज देखे आप लोगों ने, आप लोग उसे अजम्पशन बनाएंगे और फिर आप लोग उसे हाइपोथेसिस में लिख देंगे। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी, कि आप लोगों ने जो टॉपिक सिलेक्ट किया थीसिस के लिए उसकी क्या अहमियत है, आप लोग वो स्टडी क्यों कर रहे हैं, उस टॉपिक पर ही क्यों कर रहे हैं, आप लोगों ने इसकी स्टडी उसकी सिग्निफिकेंस बतानी है। फिर आप लोगों ने स्कोप ऑफ स्टडी, कि आप लोगों ने इसका स्कोप क्या होगा उसी स्टडी का, तो आप लोगों ने उसका स्कोप बताना है, फ्यूचर में बताना है, प्रेजेंट का बताना है। ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 1। फिर है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 होता है लिटरेचर रिव्यू का। लिटरेचर रिव्यू में आप लोगों ने सबसे पहले बताना है कि लिटरेचर रिव्यू होता क्या है, उसकी डेफिनेशन देनी है। फिर आप लोगों ने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में बताना है कि पास्ट में इसी टॉपिक पर स्टडी हुई थी सन 2010 में, फॉर एग्जांपल सन 2011 में, 12 में, तो आप लोगों ने डिफरेंट ईयर्स की आप लोगों ने स्टडी उठानी है, वो लिटरेचर रिव्यू में लिखनी है। और 5 से 6 पैराग्राफ में, सॉरी 5 से 6 लाइंस में आप लोगों ने एक एक पैराग्राफ बनाना है और हर पैराग्राफ एक दूसरे से लिंक कर रहा हो, एक दूसरे से जुड़ रहा हो। उसके बाद आप लोगों ने वेरिएबल्स बताना है। वेरिएबल्स 2 तरह के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा डिपेंडेंट होता है, जैसे सोशल और इकोनॉमिक। तो आप लोग इकोनॉमिक, जिसके पास पैसा होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा तो तभी सोशल होगा। तो
अब जो हमारा इकोनॉमिक होगा, इकोनॉमिक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जो सोशल होगा वो हमारा डिपेंडेंट होगा, क्योंकि वो इकोनॉमिक हमारे मुआशी हालात पर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, आप लोगों ने जो भी थीसिस बनाया, जो भी आप लोगों ने टॉपिक सिलेक्ट किया, आप लोगों ने उसका एक फ्रेमवर्क बनाना है, एक ढांचा बनाना है आप लोगों ने। वो आप लोग जो भी फ्रेमवर्क बनाओगे ब्लॉक्स में, तो वो पूरा आप लोगों का शो कर रहा होगा कि आप लोगों का थीसिस एक्चुअल में है क्या। वही आप लोगों का फ्रेमवर्क पूरे थीसिस को डिफाइन कर देगा। उसके बाद आप लोग चैप्टर नंबर 3 पर आते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप लोग बताते हैं कि आप लोगों ने मेथड कौन सा यूज किया, अप्रोच आप लोगों ने कैसे की। आप लोग बताएंगे हमने क्वांटिटेटिव मेथड यूज किया, उसे डिफाइन करेंगे। फिर आप लोग बताते हैं पॉपुलेशन एरिया, कि हमने पॉपुलेशन जो हमने लोगों को, लोगों से रिसर्च की, लोगों से डाटा लिया, वो हमने किस सिटी से लिया। तो आप लोग बताएंगे मुल्तान से, अगर आप मुल्तान से लिया है, या किसी भी शहर से लिया है, जहां से भी लिया आप लोग वही सिटी लिखोगे। फिर उस सिटी के अंदर भी सब डिफिनेशंस बनी होती हैं, तो आप लोगों ने सैंपल एरिया में बताना है, जो भी बस्ती है आप लोगों की या कॉलोनी है आप लोगों ने वो बताना है। उसके बाद सैंपल साइज बताना है कि आप लोगों ने कितने रिस्पोंडेंट से वो डाटा कलेक्ट किया, तो आप लोग वो बता देंगे। उसके बाद है कैटेगराइजेशन, आप लोगों ने चिल्ड्रन से लिया तो आप लोग चिल्ड्रन लिखेंगे चिल्ड्रन कैटेगरीज, अगर आप लोगों ने फीमेल से लिया फीमेल्स, मेल्स से मेल्स का लिखेंगे, तो ओल्ड एज से लिया ओल्ड एज पीपल से तो आप उनका लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर 65 से 80 ईयर्स लिखा हुआ है कि इतनी एज के फीमेल्स भी थे और मेल्स भी थे। उसके बाद डाटा कलेक्शन टेक्निक, कि आप लोगों ने डाटा कैसे कलेक्ट किया, व्हाट्सएप से किया, जीमेल से किया, या सर्वे किया, यानी फेस टू फेस जाकर आप लोगों ने उनसे इंटरव्यू किया या सर्वे किया। उसके बाद है डाटा एनालिसिस, सिंपल डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, कि हमने जो भी डाटा कलेक्ट किया उसे सिंपल अल्फाज में उसे बयान किया, उसका तजिया किया। उसके बाद थर्ड चैप्टर का ही रिसर्च डिजाइन, कि आप लोगों ने रिसर्च जो की है उसे कैसे डिजाइन किया आप बताओगे, हमने क्वांटिटेटिव मेथड यूज किया है। उसके बाद आप बताएंगे स्टडी ऑफ यूनिवर्स, कि आप लोगों ने किस जगह से अपनी रिसर्च की, आप लोग बताएंगे जो भी आप लोगों ने सिटी यूज किया, जहां से भी रिसर्च किए आप लोगों ने, जहां से डाटा कलेक्ट किया उस सिटी का नेम बताएंगे और अपने टॉपिक का नेम बताएंगे। उसके बाद है टारगेट पॉपुलेशन, कि आप लोगों ने लाहौर से किया, इस्लामाबाद से, फैसलाबाद से, जहां से भी आप लोगों ने वो रिसर्च की वहां पर कितनी थी, कौन से एरिया को आप लोगों ने सिलेक्ट किया। फिर आता है सैंपलिंग टेक्निक, कि आप लोगों ने सैंपलिंग टेक्निक, मतलब आप लोगों ने जो डाटा लिया, डाटा लेते वक्त आप लोगों ने कौन सी टेक्निक यूज की, रैंडमली की, मतलब ऐसे ही किसी भी एज के ग्रुप से आप लोगों ने ले ली, या स्पेसिफिक एक या दो ग्रुप से डाटा लिया, या फिर आप लोगों ने ऑनलाइन इंटरनेट लिया, कन्वीनियंस सैंपलिंग यूज की। यहाँ सैंपलिंग की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो जो आप लोगों के टॉपिक के लिहाज से ठीक रहे आप लोगों ने वो चूज करनी है। फिर है सैंपल साइज, कि आप लोगों ने कितने लोगों से कलेक्ट किया, सैंपल साइज आप लोगों का कितना था, 30 था, 70 था, या 103 था, या 104, इस तरह से। ये आप लोगों की सुपरवाइजर रिकमेंड करेंगे कि आप लोगों ने कितने रिस्पॉन्डेंट से डाटा लेना है। उसके बाद है डाटा कलेक्शन, आप लोगों ने डाटा किस तरह से कलेक्ट किया, क्वेश्चन आयर बनाया, मतलब आप लोगों ने अपना स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस मैम नजर आ रही। स्लाइड्स नजर आ रही है? बिल्कुल ब्लैंक। अच्छा, फिर उसके बाद है टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन, आप लोगों ने क्वेश्चन आयर बनाया। जैसे आप लोगों को MCQs मिलती हैं, एक आप लोगों की स्टेटमेंट होती है, उसके बाद MCQs होती हैं, 3-4 ऑप्शन होते हैं, तो उसी तरह आप लोग अपने टॉपिक को रिसर्च करने के बाद एक क्वेश्चन आयर बनाते हो। उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, तो उसे हम बोलते हैं क्वेश्चन आयर। उसके बाद सर्वे, कि आप लोगों ने जगह जगह जाकर वहां पर सर्वे किया, वहां के लोगों से इन्वेस्टिगेशन की। इंटरव्यू होता है कि आप लोगों ने एक इंसान से उसकी राय ली, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, इसी तरह फेस टू फेस इंटरव्यू होगा। तो जो भी आप लोगों ने अगर क्वेश्चन आयर किया है, तो आप लोग उसे क्वेश्चन आयर को डिफाइन करेंगे। सर्वे किया तो सर्वे को, इंटरव्यू लिया तो इंटरव्यू को। उसके बाद है टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस,
कि आप लोगों ने जो भी डाटा इकट्ठा किया उसे किस सॉफ्टवेयर से आप लोगों ने निकाला, किस सॉफ्टवेयर से उसकी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकाली, तो आप लोग बताएंगे SPSS से, SPSS सॉफ्टवेयर है। फिर आप लोग बताएंगे एथिकल कंसर्न, लास्ट में थर्ड चैप्टर के लास्ट में लिखोगे एथिकल कंसर्न, रिसर्चर डिड नॉट बिहेव इलीगली विद हिज रिस्पोंडेंट, कि रिसर्चर जो होता है वो कभी भी अपने रिस्पोंडेंट के साथ मिसबिहेव नहीं करता, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं करता, पहले उससे उसका नाम पूछता है, फिर उसके बाद उसकी इनकम, फैमिली मेंबर्स, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप अपने वो टॉपिक की तरफ लेकर आता है और फिर उससे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। उसके बाद है हमारा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में होता है डाटा एनालिसिस, वही जो आप लोगों ने क्वेश्चन आयर बनाया उसमें आप लोगों को करना पड़ता है डाटा एनालिसिस। पहले तो आप लोग लिखोगे इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा एनालिसिस के डाटा एनालिसिस हैं, फिर आप लोग बताओगे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कि हमने जो भी लिखा हुआ है हम उसे कैसे बयान करेंगे और आप लोगों ने उसमें से क्या क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। आप लोग बताएंगे हमने इसमें से फाइंड आउट करनी है परसेंटेज ऑफ फ्रिक्वेंसी, अगर आप लोगों की सुपरवाइजर कुछ और फाइंड आउट करने का कहती है तो आप लोग उसके बारे में लिखेंगे। फिर आप लोग बताएंगे जितना भी आप लोगों के क्वेश्चन होंगे, आप लोगों के टेबल्स और पैराग्राफ, चाहे वो बार ग्राफ हो, चाहे वो सिंपल ग्राफ हो, चाहे वो पाई चार्ट हो, तो आप लोगों के जितने भी सवाल होंगे हर चीज उतनी ही बनेगी। पहला सवाल अगर एज का होता है कि एज कितनी है, तो यहाँ पर डिफरेंट एज ग्रुप्स लिखे हुए हैं, फ्रिक्वेंसी है कि इतने इतने लोगों ने ये जवाब दिया कि हमारी ये जितनी है, हमारी ये जितनी है, उन्हीं रिस्पॉन्डर्स की अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज हमारे पास आ जाती है ये। फिर उसके बाद परसेंटेज के लिहाज से, ये एज के लिहाज से यहाँ पर आप लोगों को एक ग्राफ नजर आ रहा होगा, ये टेबल और ये ग्राफ SPSS ने से ही बना है, SPSS से डायरेक्ट बन जाता है ये जब आप लोग कोडिंग करते हो अपने डाटा की। उसके बाद आप लोगों ने टेबल भी बना लिया, ग्राफ भी बना लिया, अब आप लोगों ने इसे इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट से मुराद आप लोगों ने इसे बयान करना है, एक्सप्लेन करना है। फिर आप लोगों की जो भी परसेंटेज आई होगी, जो भी फ्रिक्वेंसी आई होगी, जिस भी एज कैटेगरी की या जो भी आप लोगों का सवाल होगा उसी से रिलेटेड आप लोगों ने उसे इंटरप्रेट करना है, उसके बारे में बताना है। उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर है रिजल्ट एंड डिस्कशन। आप लोगों ने अपने टॉपिक को पहले डिस्कस करना है, डिस्कस करने के बाद उसके रिजल्ट्स बताने हैं। रिजल्ट्स बताने के बाद कि इतने लोगों ने हमें ये जवाब दिया, फीमेल्स ने इतना दिया, मेल्स ने इतने दिया, उनकी राय ये थी, तो इसी तरह आप लोगों ने रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में ये फाइंड आउट करना है सारा। फिर आप लोगों ने एंड पे आप लोगों ने कंक्लूजन कि आप लोग इन तमाम रिजल्ट से क्या नतीजा निकालते हैं, वो आप लोगों ने कंक्लूजन में बताना है। फिर आप लोगों ने अपना जो टॉपिक सिलेक्ट किया होगा उसी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों ने रिकमेंडेशन देनी है कि आप लोगों ने जो टॉपिक सेलेक्ट किया उस टॉपिक में जो भी इश्यूज देखे, जो भी प्रॉब्लम्स देखे, उन प्रॉब्लम्स को कैसे आप लोग ओवरकम कर सकते हैं, कौन सी रिकमेंडेशन आप लोगों ने दो कि वो प्रॉब्लम्स तमाम सॉल्व हो जाए। यहां तक आप लोगों का कोई सवाल? थैंक यू सो मच मैम। मैम समझ आ गया जो कुछ आपने। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी। मैम मेरे क्वेश्चन ये थे कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जो आपने बताया था कि जो पैराग्राफ होते हैं ना वो 5 to 6 lines का होना चाहिए, लेकिन जी क्या पैराग्राफ नंबर भी मैटर करती है इस जगह पे? मतलब कितने पैराग्राफ हम लोग इसमें ऑलमोस्ट बना सकते हैं, मतलब 2, 3, 4 जैसे लाइंस तो उन्होंने स्पेसिफिक बताई है लेकिन पैराग्राफ नंबर मेंशन नहीं है। नहीं, पैराग्राफ आप लोग बेशक आप लोगों ने 5 से 6 पेज बनाने हैं लिटरेचर रिव्यू में, अगर आप लोग BS कर रहे हो या MSc कर रहे हो, 5 से 6 पेज आप लोगों ने के बनाने हैं सिर्फ इंट्रोडक्शन के। अगर 5 से 6 नहीं बनाते तो 4 से 5 कर लो बस, लेकिन MPhil वाले उनको करने पड़ेंगे 6 से ज्यादा, 6 या 7 बना लें या 8 बना लें, क्योंकि अगर आप लोगों का लिटरेचर रिव्यू स्ट्रॉन्ग होता है, आप लोगों की जो रिसर्च की होती है, आप लोग उसे अच्छे तरीके से लिखते हो, रिसर्च करते हो, फाइंड आउट करते हो, फिर आप लोग उसे लिखते हो, तो आप लोगों का लिटरेचर होता है वो बहुत अच्छा बन जाता है। और कोई क्वेश्चन? सही। और सेकंड क्वेश्चन था मैम, जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क आपने बताया था, ये जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जो डिस्क्राइब कर रहा होता है कंप्लीट डाटा को,
तो इसके अंदर जो है ना वो हमें कोई टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा या फिर ऐसे जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं वो लगा के जो है इसको नहीं, के साथ लिखेंगे हम? आप लोगों को टेबल बना जिस तरह आप लोगों ने फिजिक्स में या मैथ में बने बायो में बने होते हैं, कोई भी डायग्राम समझाने के लिए उन्होंने फ्रेमवर्क बनाया होता है वो उसी तरह बिल्कुल आप लोगों ने बनाना है। आप लोगों ने टेबल या फ्रेम ब्लॉक बनाकर उसके अंदर बुलेट फॉर्म में लिखना है। पहले आप लोग टेबल बनाएंगे छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं करना, उसमें आप लोग दो तीन पॉइंट्स लिखोगे, फिर आप लोग दूसरा टेबल बनाओगे फिर उसमें दो तीन पॉइंट्स, वो फिर आप लोगों के तीन या दो तीन ब्लॉक्स होंगे, वो पूरे थीसिस को कवर कर रहे होंगे आप लोगों के। मैंने आप लोगों को थीसिस सेंड किया था, आप लोगों ने देखा नहीं वो? मैम मैंने ज्वाइन अभी किया, मेरे एग्जाम्स हो रहे थे तो इस वजह से। जैसे ही एक पॉइंट हमारे पास आता है तो उस पॉइंट को आगे एक्सप्लेन करके नेक्स्ट स्टेप तक हम लोग जाएंगे ना, या फिर मतलब पहले ऐसे डिस्क्रिप्शन उनके दे देंगे बाद में उसके डिटेल पे आएंगे? डिस्क्रिप्शन में किस टेबल्स की डिस्क्रिप्शन पूछ रही हैं आप? नहीं मैं वैसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि जैसे चैप्टर नंबर 1 था उसके अंदर जस्ट ओवरव्यू दिया हुआ था कि पहले हम लोगों ने ये चीजें डिटेल के साथ करनी है जी। और जैसे आपने एक टेबल भी दिखाया था आई थिंक चैप्टर नंबर 4 में दिया हुआ था कि जी जी। या फिर आगे वो डेफिनेशन या फिर वगैरह, पहले हम लोगों ने एज सच टेबल ड्रॉ करने है, उसके बाद जानना है कि मतलब डिटेल में जाके पॉइंट बना के उनको हम लोग मेंशन करेंगे आगे कि हम लोगों ने यहाँ से ये किया था? नहीं देखिए या फिर टेबल के अंदर ही डेफिनेशन, ये देखें आप ये वाला कह रही हैं फोर था आई थिंक इसमें टेबल था ये वाला ना? नहीं मैम इससे पहले जो एक टेबल था जिसके अंदर वो मुल्तान सिटी और ये डेफिनेशन जी। अच्छा अच्छा वो ये वाला जी, ये मैं पूछना चाह रही हूँ इसमें कि पहले हम लोगों ने एज सच टेबल ही बनाना है जिसके अंदर जस्ट ये चीजें हम लोगों ने एक्सप्लेन करनी है और फिर आगे डिटेल में जाना है। जी जी ये आप लोगों ने ऐसे ही शॉर्ट में बताना है, ये आप लोगों ने जस्ट शॉर्ट में बताना है कि आप लोगों ने जब आप लोगों का वाइवा होता है ना तो वो आप लोगों से पूछते हैं कि आप लोगों ने सैंपल एरिया कहाँ से लिया, कितने थे आप लोगों के, तो फिर आप लोग यहीं से, अब जाहिर है आप लोग डिटेल तो नहीं देखोगे ना जल्दी जल्दी, आप लोग फिर यहीं से देखकर फिर आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं और फिर आप लोग अपना वाइवा अच्छे तरीके से दे सकते हैं। और कोई सवाल? थैंक यू सो मच मैम। सुन भी रहे हैं या जस्ट ऑनलाइन होकर चले गए हैं? नो मैम सुन रहे हैं। कोई सवाल? एक मिनट रहता है। किसी का कोई सवाल नहीं है? अब अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैं था कि मैं